हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका सोल फ्रॉम एमी इंटरनेशनल स्कूल नया गाँव. टुडे वी विल बी डूइंग द पोएम फ्रॉम योर बुक बी हाइव, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड. यस, वी विल बी लर्निंग अबाउट द लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड. नाउ व्हाट इज दिस पोएम टेलिंग यू अबाउट? फार फार अवे इन द नॉर्थ लैंड, डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग. पीपल देयर यूज स्लेजेस विच आर ड्रॉन बाय अ रेनडियर. स्लेजेस जो चलते हैं ना, जिससे आपने आपने सांता क्लूज के उसमें देखा होगा, जो रेनडियर्स स्नो पे स्लेजेस चलाते हैं वहाँ पर. तो चिल्ड्रेन लुक लाइक बेयर्स कब्स इन देयर फर्स. और वहाँ बहुत कोल्ड होता है, तो सब बच्चे फर के कोट्स पहने हुए लाइक अ बेयर, टेडी बेयर जैसे क्यूट क्यूट लग के, और वो पहनते हैं. अ स्टोरी इज टोल्ड टू दीज दोज चिल्ड्रेन विच होल्ड्स अ लेसन फॉर द लिसनर्स. वंस वेन सेंट पीटर वॉक्ड ऑन द अर्थ प्रीचिंग, ही केम टू द डोर ऑफ अ लिटिल वुमेन हु वॉज बेकिंग केक्स ऑन द हर्थ. एज द सेंट वॉज वेरी हंग्री एंड वेरी वीक विथ फास्टिंग, ही आज द वुमेन फॉर अ केक फ्रॉम अ स्टोर ऑफ केक्स. द वुमेन बींग सेल्फिश एंड माइजर फाउंड हर वेरी लिटिल केक टू लार्ज टू गिव अवे. शी बेक्ड अनदर केक स्मॉलर देन द फर्स्ट, बट थॉट इट वॉज एज लार्ज एज द फर्स्ट वन. इन द एंड शी बेक्ड अ वेफर थिन केक विच टू शी कुड नॉट गिव टू द सेंट. शी पुट इट अवे. द सेंट ग्रू एंग्री एट दिस एंड टर्न द वुमेन इन टू अ वुड पैकर, अ बर्ड दैट बोर्स एंड बोर्स ड्राई वुड टू फाइंड इट्स स्केंटी फूड. नाउ ये स्टोरी क्या है? देखो, वहाँ पर सेंट पीटर्स थे नॉर्थ लैंड में, जो प्रीचिंग करने के लिए, लाइक साधु संत होते हैं ना, जो अपना प्रीच करते हैं, पढ़ाते हैं, मतलब आपको साधु संतों की जो जो अपने गॉड एंड गॉडेसेस के बारे में आपको समझाते हैं, उनकी कहानियाँ बताते हैं, वो घूम रहे थे वहाँ पर सेंट पीटर. अब प्रीचिंग करते टाइम करते करते उनको थोड़ी सी भूख लगी, तो वो एक लेडी के हट के वहाँ पर से उनको स्मेल आई, जो कि केक बना बेक कर रही थी. तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगा, तो उनके डोर पे गए और उनसे उन्होंने केक मांगा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, कि प्लीज़ गिव मी वन केक. अब वो जो लेडी थी जो बेक करती थी केक, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको ना पसंद नहीं था किसी को, बहुत सेल्फिश, शी वॉज अ सेल्फिश एंड माइजर वुमेन. उसको शेयर करना किसी के साथ अच्छा ही रहता था. वो क्या सोचती थी कि मैं केक बनाऊं और मैं सेल करूं ना, ना कि मैं किसी को ऐसे दान में दूं. तो वो उसने क्या सोचा कि अरे ये केक ये क्यों आ गया, जैसे उसके मन में आया तो अब मांग रहा. तो उसने एक पहले केक बना के सोचा कि ये दे देती हूँ, लेकिन उसको क्या लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा है, मैं वेस्ट करूँगी ये केक. उसने ड्राई करने के लिए रख रखे थे. फिर उसने और एक बनाया केक, वो भी उसको ऐसा लगा कि मैंने बहुत और भी बड़ा दे दिया. तो लास्ट में एंड दैट पर्सन ही इज़ हंग्री, वो बाहर खड़ा हुआ है भूख के मारे, तब भी वो उसको इतना डिले करा और उसने जस्ट वेफर टाइप केक एक बेक करा और वो उनको खाने के लिए दिया. अब वो सेंट को बहुत गुस्सा आया, वो तो संत महात्मा थे, उन्होंने सोचा कि मतलब ये कितनी लेजी वुमेन है, हो सकता है ना ही हैड कम टू टेस्ट था. तो वो टेस्ट करते टाइम उनको लगा कि ये तो वुमेन बहुत ख़राब है, तो सेल्फिश एंड ग्रिमाइजर वुमेन है. सो उन्होंने उनको श्राप दे दिया. उन्होंने श्राप में क्या बोला कि तुमको जाओ, तुम ना वुड पैकर बन जाओगी और तुमको घर बनाने के लिए अपना ना बोर करके अपना घर बनाना पड़ेगा, तुम्हें रेडीमेड कुछ भी नहीं मिलने वाला. दैट पनिशमेंट एक्चुअली ही कर्स्ड हर दैट वुमेन. लेट सी व्हाट इज इन द पोएम. यस, द पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड. दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ अ ग्रीड. उसकी जो ग्रीड, उसका जो लालच था, उसने सेंट पीटर को बहुत ज़्यादा नाराज कर दिया था. सो दिस पोएम इज टेलिंग यू अबाउट दैट. अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. अब डेज बहुत फ्यू मिलते हैं उनको वहाँ पर, नाइट्स बहुत लॉन्गर होती हैं. सो उनको डेज सोने के लिए बहुत, लाइक दे गेट वेरी फ्यू टाइम, लाइक इट इज़ रिटन दैट वे. वे दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. अब मैंने ये तुम्हें पहले ही बताया था कि स्नो में रेनडियर स्लेजेस चलाते हैं, बच्चे फर के कोट्स पहन के बहुत क्यूट टेडी बेयर टाइप दे लुक. नाउ दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी. अब वहाँ पर एक कहानी हमेशा सुनाई जाती थी, वो सेंट पीटर की कहानी थी. आई डोंट बिलीव दैट इज ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ. अब वो घूमते घूमते प्रीचिंग करते टाइम एक लेडी के हट के वहाँ पर आए एंड देयर शी वॉज बेकिंग द केक्स एंड ही कुड गेट दैट स्मेल एंड ही वॉज वेरी हंग्री एंड शी ही केम टू आस्क फॉर द केक. एंड बींग फेंट विद फास्टिंग
for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. अब उन्हें रिक्वेस्ट क्या करी कि मुझे एक केक दे दो. Now he was not purchasing it, he was just asking. He was a saint. साधु संत तो ऐसे ही मांगने आते हैं, अपन को अपन दे देते हैं उनको फ्री में. But this lady was a very greedy lady, miser. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. अब जब भी वो केक बनाती उसको क्या लग रहा है, ये ज़्यादा बड़ा है देने के लिए, दान देने में उसको ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था. Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. अब देखो उसने लास्ट में एकदम वेफर जैसा केक बेक करा, वो भी उसको देने में अच्छा नहीं लग रहा था. लाइक सच अ माइजर एंड ग्रीडी लेडी शी वॉज. For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. अब उसको क्या लग रहा था कि नहीं, ये केक तो देने के लिए तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है, बस मैं खा लूँ बस और किसी को नहीं दूँ. That type of lady she was, and she didn't want to part with the cake. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. अब सेंट पीटर who was very hungry, उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने शाप दिया कि तुम इस जगह पे तुम एज ए ह्यूमन रहने लायक हो ही नहीं, और तुम्हें इतनी ज़्यादा सुविधाएं मिली हुई है ना कि वो वॉर्म रूम में और इतना अच्छा कॉटेज वगैरह बना हुआ है, वो सब तुम्हें तुम्हारे लायक नहीं है. ही गॉट वेरी एंग्री एंड ही टोल्ड ही कर्स्ड हर, शाप दिया. नाउ यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड डू एंड शैल गेट यू स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन हार्ड ड्राई वुड. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर हु शी वॉज चेंज टू अ बर्ड. अब देखो उनको जब श्राप दिया, उन्हें क्या बोला, तुमको अब ना खाना तलाश करके लाना पड़ेगा, जैसे बर्ड लाती ना चोंच में थोड़ा थोड़ा सा उसको मिलता है, और घर के लिए तुम्हें बोर करके अपना खुद घर बनाना पड़ेगा, तुम्हें वो भी नहीं बना बनाया मिलने वाला. दैट विश कर्स ही गेव द सेंट पीटर एंड द लेडी शी केम आउट फ्रॉम द चिमनी एंड शी वॉज टर्न टू अ वुड पैकर. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. थैंक यू.